काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। देश भर में चल रहे चुनावी शोर के बीच सियासत से जुड़ी दुखद घटना सामने आई। बता दी कि भाजपा के दिग्गज नेता के सड़क हादसा में जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बाबा महाकाल के दर्शन करके भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार वापस लौटत रहे दौरान सड़क हादसा हुआ। वंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे से भजन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि देश भर में चले वाले लोकसभा चुनाव के त्यौहार के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से दुखद घटना सामने आई। बाबा महाकाल के दर्शन करके लौटे वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के सड़क हादसा में जान चली गई। बतावा जाता है कि सड़क में गाड़ी पंक्चर होने के बाद टायर बदले खातिर वो कार से नीचे उतरे रहे। डिक्की से रिजर्व टायर निकाले के खातिर जैसे उनके द्वारा डिक्की खोला तब अचानक से पीछे से आए एक तेज रफ्तार डंपर के द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गए। घटना जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम खनपुरा के पास के बताई जाती। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात 2 बजे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार महाकाल के दर्शन करके अपने बहनोई के साथ विदिशा जा रहे हैं दौरान खनपुरा गांव के पास कार पंक्चर हो गई। जयप्रकाश गाड़ी के टायर बदले के खातिर डिग्गी खोलत रहे यही दौरान अचानक से एक डंपर के द्वारा उनका पीछे से जोरदार ठोकर मार दी गए। बतावा जाते कि टक्कर इतनी जोरदार रही कि जयप्रकाश किरार गाड़ी समेत घटनास्थल के पास स्थित एक गड्ढा में जाके गिर गए। जानकारी लगते मौके में पुलिस पहुंची। बीजेपी नेता जयप्रकाश का अस्पताल ले जावागा जहां डॉक्टर के द्वारा उनका मृत घोषित कर देगा। जयप्रकाश किरार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिता किरार के पति बताया जाता मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। फिलहाल हादसे के बाद शोकाकुल परिवार समेत भाजपा में शोक की लहर है। सजग रही सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत प्रणाम।